इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं Q3 नंबर्स के बारे में, जो कि कंपनी एक है जो कि रिसेंटली लिस्ट हुई है मार्केट में, मोका प्रोटीन्स लिमिटेड। उसने आज अपने Q3 के नंबर्स को पब्लिश कर दिया, तो चलिए देखते हैं कि कंपनी के इस बार के नतीजे कैसे रहे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारे अपडेट्स एकदम टाइमली मिलते रहे। तो आज कंपनी की बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग थी जो कि ओवर हो चुकी है, और जो आउटकम है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का नाम है मोका प्रोटीन्स लिमिटेड। डिस्कस करेंगे कंसोलिडेटेड नतीजे, सारे फिगर मिलियंस में, इन करोड़ में बात करने वाले। Q3 का डेटा है, 2 दिसंबर 2022 की अर्निंग थर्ड रो में, जो कंपनी की पिछले साल की Q3 की अर्निंग से। तो चलिए देखते हैं ईयरली परफॉर्मेंस कैसी रही, जो कि टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम, आप दोनों का सम कर देंगे तो आ जाएगी आपकी टोटल इनकम, जो कि ईयरली 399 करोड़ से 523 पे आ गई, और क्वार्टरली 336 करोड़ से 523 करोड़ पे। तो इनकम में तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ आया है क्वार्टर और ईयरली दोनों ही जगह। देन डिस्कस करते हैं टोटल एक्सपेंसेस, यानी कि कंपनी के खर्चे। तो ईयरली खर्चे 369 करोड़ से 507 पे आ गए, क्वार्टरली 303 से 507 पे। तो जिस तरीके से कंपनी की इनकम बढ़ी, तो कंपनी के खर्चे भी क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों ही जगह हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन डिस्कस करते हैं आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड कितना हुआ। तो इनकम तो काफ़ी अच्छी बढ़ी है कंपनी की, उस हिसाब से खर्चे भी बढ़े, तो कंपनी के प्रॉफिट इस बार हमें काफ़ी हद तक कम देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स क्वार्टर। तो दिसंबर 22 में 27 करोड़ का प्रॉफिट था, वो इस बार सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ पे आ गया, और Q2 में 28 करोड़ के प्रॉफिट थे, वो इस बार कम होकर 12 करोड़ पे आ गया। तो इस बार के जो प्रॉफिट है वो काफ़ी हद तक हमें क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों ही जगह कम देखने को मिल रहे हैं। सेम रिफ्लेक्शन EPS में प्रॉफिट कम रहे, तो EPS भी 1.03 से 0.48 पे आ गया ईयरली, और 1.29 से 0.48 पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो जिस तरीके से कंपनी के प्रॉफिट कम हुए, सेम कंपनी के EPS में भी क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों ही जगह गिरावट हमें देखने को इस बार मिल रही। और जो दोस्तों रिजल्ट की अनाउंसमेंट है वो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स हुई, और देख सकते हैं आप रिजल्ट आने के बाद 8.5% से ज़्यादा की गिरावट ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। 7 मार्च के करीबन ₹42.25 पे कंपनी लिस्ट हुई थी। तो आपने इसके IPO में अप्लाई किया था या नहीं किया था, कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।